लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ, लेजिस्लेशन क्या है और कानून किन ज़राए से मिलके बनता है, लेजिस्लेशन इज वन ऑफ देम। माय नेम इज फैसल अवैस एंड वेलकम टू लीसल्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ, कि लेजिस्लेशन किस तरह एक कानून बनने का जरिया है, हमारे फिलोसफी ऑफ लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेजिस्लेशन, देखिए दुनिया में कोई भी चीज है वो किसी न किसी या किसी न किसी जराए से मिलके बनता है, इसी तरह कानून भी किसी न किसी सोर्सेस से मिलके बनता है। सो लेजिस्लेशन इज वन ऑफ देम। अब लेजिस्लेशन होता क्या है? लेजिस्लेशन से मुराद ये है कि किसी भी स्टेट की पार्लियामेंट, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी या किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिसे शूरा, जिसका काम क्या है? कानून बनाना। सो किसी भी रियासत की मुकन्नना यानी कि लेजिस्लेचर जो है, पार्लियामेंट जो है, जब वो कानून बनाती है तो हम उसे बोलते हैं लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मीन अ प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द पार्लियामेंट, यानी कि किसी भी स्टेट की पार्लियामेंट जब कानून बनाती है तो हम बोलते हैं कि लॉ इज मेड बाय द लेजिस्लेचर, एंड प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द पार्लियामेंट और बाय द लेजिस्लेचर इज टर्म्ड एज लेजिस्लेशन। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे। इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको, इसका तारुफ करेंगे, इसको ब्रीफ आप बताएंगे कि लेजिस्लेशन होती क्या है, लेजिस्लेचर क्या होती है, लेजिस्लेचर काम किस तरह करती है और किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर जो है वहां पे कानून स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है। उसके बाद सेकेंड हेडिंग आपकी आ जाएगी मीनिंग्स की। मीनिंग्स, लेजिस्लेशन ये जो वर्ड है बेसिकली ये दो वर्ड्स का कंबिनेशन है। फर्स्ट वन इज लेजिस एंड द सेकेंड वन इज लेशन। लेजिस मीन लॉ एंड लेशन मीन टू मेक। सो द वर्ड लेजिस्लेशन मीन टू मेक लॉ। इस तरह आपकी पहली हेडिंग जो है वो इंट्रोडक्शन की, सेकेंड वन आपकी मीनिंग की। अब आते हैं अपनी थर्ड हेडिंग की तरफ, जिसमें आपने कम अज कम तीन डेफिनेशंस जो हैं वो आपने लेजिस्लेशन की लिखनी है। आप कौन कौन सी तीन डेफिनेशन लिख सकते हैं? सबसे पहली डेफिनेशन आप फॉर एग्जांपल ब्रिटानिका की डेफिनेशन लिख दें, सेकंड आप उसमें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन लिख दें, थर्ड आप क्या है उसमें सामन की डेफिनेशन लिख दें कि किस तरह इन्होंने लेजिस्लेशन को एज ए सोर्स ऑफ लॉ डिफाइन किया है। अब अगर हम बात करें ब्रिटानिका की, तो ब्रिटानिका ये कहता है द प्रिपेयरिंग एंड एग्जिस्टिंग ऑफ लॉ या अनेक्टिंग ऑफ लॉ बाय लोकल, स्टेट और नेशनल लेजिस्लेचर। कोई भी आपके मुल्क की जो मुकन्नना है जब वो कानून बनाती है या अनेक्ट करती है तो उसे बोला जाता है लेजिस्लेशन। इसी तरह मुख्तलिफ आप कोई भी डेफिनेशन जो है इस हेडिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी डेफिनेशन की हेडिंग में कम अज कम तीन डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए। उसके बाद आपको फोर्थ हेडिंग नजर आ रही है लेजिस्लेटिव लिस्ट इन पाकिस्तान। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है। लेजिस्लेटिव लिस्ट, पाकिस्तान के आईन में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में हमें दो तरह की लेजिस्लेटिव लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं। पहले ये तीन तरह की थी लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट इसको दो तरह की लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो कर दिया गया है। पहली जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है उसे बोला जाता है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, और सेकंड जो हमारे पास लिस्ट है उसे बोला जाता है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट क्या होती है कि आपके आईन ने फेडरल पार्लियामेंट, जो आपकी पार्लियामेंट वफाक की जो पार्लियामेंट है जिसे हम मजलिसे शूरा बोलते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर वो कानून बना सकती है, वो लिस्ट में इनकॉर्पोरेट आपके आईन में कर दिया गया है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर आपकी जो वफाकी पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है, उस लिस्ट को बोला जाता है फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। इसी तरह आपके आईन में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट भी मौजूद है कि अब जो सूबाई मुकन्नना है, सूबाई पार्लियामेंट जो है किसी भी सूबे की, वो किन किन चीजों के ऊपर लेजिस्लेशन कर सकती है यानी कि कानून साजी कर सकती है। सो इसी तरह लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है हमारे पाकिस्तान के आईन में वो दो तरह की लेजिस्लेटिव लिस्ट मौजूद थी।
आप लोगों को मैं बताता चलूं कि थर्ड भी एक लेजिस्लेटिव लिस्ट थी जिसको कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट बोला जाता था। अब कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो चीजें लिखी हुई होती थी कि जो वफाक भी बना सकती है और सूबाई आपकी जो पार्लियामेंट है वो भी बना सकती है, तो इस वजह से उसको कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट बोला जाता था। फिफ्थ हमारे पास हेडिंग आ रही है टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की कितनी काइंड्स होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, इनको कितनी टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, तो बेसिकली सामन के मुताबिक दो काइंड्स बनती हैं लेजिस्लेशन की। फर्स्ट वन इज सुप्रीम लेजिस्लेशन एंड द सेकंड वन इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होती है? देखें, आपके मुल्क की जो वफाकी पार्लियामेंट है, फेडरल पार्लियामेंट है, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी जो है, सबसे बड़ी जो मुकन्नना है, जब वो कानून बनाती है तो उसे बोला जाता है सुप्रीम लेजिस्लेशन। मैंने आपको पहले बताया है कि लेजिस्लेशन मीन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग बाय द पार्लियामेंट। सो अगर आपकी, फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मजलिस शूरा जो है, अगर ये कानून बनाती है तो उस प्रोसेस को बोला जाएगा सुप्रीम लेजिस्लेशन, बिकॉज मजलिस शूरा इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द पाकिस्तान, या किसी भी स्टेट की जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, जब वो कानून बनाती है तो उसको सुप्रीम लेजिस्लेशन बोला जाता है। अब हम आते हैं दूसरी सब हेडिंग की तरफ, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। देखें, वर्ड सबऑर्डिनेट का मतलब है मातहत। अब सुप्रीम लेजिस्लेशन, सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी के अंडर जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडी आएंगी, उनको अगर वो कोई कानून बनाएंगी तो उन कानून को बोला जाएगा थ्रू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सूबाई पार्लियामेंट, फॉर एग्जाम्पल पंजाब असेंबली कोई कानून बनाती है, केपीके की असेंबली कोई कानून बनाती है, तो सूबाई असेंबलियां, सूबाई पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है तो वो आपकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आती है। इसी तरह पाकिस्तान में ऑटोनमस इदारे भी मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज अपने बायलॉज बनाती हैं, मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अपने कवानीन खुद बनाती हैं, मुल्क के काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो अपने कवानीन खुद बनाते हैं। तो हर वो इदारा जो एम्पावर्ड है अपना कानून खुद बनाने के लिए, लेकिन वो इदारा सुप्रीम लेजिस्लेचर ना हो, यानी कि मुकन्नना या मजलिस शूरा ना हो, तो वो इदारा जब कानून बनाएगा तो उस प्रोसेस को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोला जाएगा। अब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को सामर ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया है या डिवाइड किया है। सबसे पहले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास है कॉलोनियल लेजिस्लेशन। कॉलोनियल लेजिस्लेशन से मुराद यह है, ये टर्म अगर आप समझने के लिए देखें तो फर्स्ट क्या था, हमारा ये जो एरिया है, ये जो खित्ता है, इट वॉज ए कॉलोनी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन की ये कॉलोनी थी, तो ग्रेट ब्रिटेन, अच्छा यहां पर आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है डायर्किकल सिस्टम का। डायर्की क्या होता है? डायमिन टू एंड आर्की मीन गवर्नमेंट। डायर्किकल सिस्टम में ये होता है कि किसी भी जगह के ऊपर दो गवर्नमेंट्स होती हैं, एक पेरेंट गवर्नमेंट होती है और सेकंड जो है वो सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट होती है जो उस पेरेंट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। पाकिस्तान या ये सबऑर्डिनेट जो इंडिया, ये भी जितना भी हमारा ये एरिया बनता है, जब ये ग्रेट ब्रिटेन के अंडर था तो इसकी जो पेरेंट गवर्नमेंट थी वो क्या थी? वो क्राउन थी, और ये सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट थी जो क्राउन गवर्नमेंट के अंडर काम करती थी, बिकॉज That area was a colony of the Great Britain. तो अगर एक कॉलोनी जो है वो अगर कानून साजी करती है तो उसको बोला जाता है colonial legislation. Second one is judicial legislation. अच्छा, अक्सर students इस चीज को कंफ्यूज करते हैं कि judicial legislation mean precedent. यानी कि अदालतें जो कवानीन बनाती हैं या लॉ मेड बाय द जज इज टर्म्ड एज अ प्रेसिडेंट, ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट और जुडिशियल लेजिस्लेशन में फर्क है। प्रेसिडेंट सिंपल क्या है, वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। जुडिशियल लेजिस्लेशन से मुराद ये है कि जुडिशरी को एडमिनिस्ट्रेटिवली अपने मामलात को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या कानून बनाने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी कि हाई कोर्ट की वर्किंग और एम्पावर्ड वो कैसे होंगी। हाई कोर्ट इसी तरह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, या कुछ स्पेशल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स हैं, वो किस तरह काम करेंगी। तो इस तरह जुडिशरी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को चलाने के लिए जो लेजिस्लेशन करती है उसको जुडिशियल लेजिस्लेशन बोला जाता है। दी जुडिशियल लेजिस्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट। म्यूनसिपल लेजिस्लेशन, म्यूनसिपैलिटीज़, आप लोगों ने सुना होगा, म्यूनसिपैलिटीज़ भी अपने कवानीन खुद बनाती हैं, बल्दियात जिसे बोला जाता है, वो अपने कवानीन खुद बनाती हैं। तो म्यूनसिपल लेजिस्लेशन इज आल्सो अ काइंड या टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन,
स्टेट का बेसिकली गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है। अगर एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, फॉर एग्जाम्पल नैब अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून बनाती है, FIE अपने आप को रेगुलेट करने के लिए कुछ कानून बनाती है, वो तमाम के तमाम आपके एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन में आ जाएंगे। उसके बाद फिफ्थ हमारे पास आता है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में, ऑटोनमस लेजिस्लेशन। ऑटोनमस मीन खुद मुख्तार इदारे, कोई भी ऐसा इदारा जो खुद मुख्तार है वो अपने कवानीन या बायलॉज खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटीज अपने कवानीन, बायलॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बनाती है, पंजाब यूनिवर्सिटी अपने कवानीन खुद बनाती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद बनाती है। तो इस तरह कोई भी ऑटोनमस इदारा जब लेजिस्लेशन करता है, अपने कवानीन खुद बनाता है, तो उसे बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है ऑटोनमस लेजिस्लेशन। ये था आपका टोटल कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू लेजिस्लेशन एज अ सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन क्या है, लेजिस्लेशन किस तरह सोर्स ऑफ लॉ है, लेजिस्लेशन का मीनिंग क्या है, उसके बाद लेजिस्लेटिव लिस्ट को हमने डिफाइन किया कितनी काइंड्स की हैं, हमने टाइप्स देखी कि दो तरह की लेजिस्लेशन होती है, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होती है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। सो ये आपका पूरे का पूरा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ लॉ का, लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ लॉ। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई एम्बिग्यूटी है या कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई इस टॉपिक से रिलेटेड, या आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड हैंडआउट्स चाहिए, तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं, और हमारी वीडियो के नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप वहां से भी हमसे राबता करके इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।